नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना कौशल के बारे में, इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में। कल हमने सूक्ष्म शिक्षण को पूरे डिटेल में जाना था, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने होते हैं, क्या इसके लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, माइक्रो साइकिल क्या होता है, माइक्रो साइकिल का टाइम क्या होता है, उसके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने पूरे का पूरा क्लियर किया था डिटेल में माइक्रो टीचिंग को। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी है वो आप ज़रूर देख लीजिए। इन वीडियोज़ को देखने से पहले अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये वीडियोज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और एक बात दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं, ये जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए अगर आप बीएड कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक पेपर होता है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 4, ठीक है। उससे अलग दो पेपर होते हैं आपके मैथड के सब्जेक्ट, दोनों मैथड के सब्जेक्ट में और टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट में आपका ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट पूरा का पूरा होता है, सारी स्किल्स होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और इससे अलग माइक्रो टीचिंग की पूरी आपकी ट्रेनिंग होती है कॉलेज में, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है आप इसको एक बार बिल्कुल अच्छे से समझिए, आराम से समझिए, इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपके बीएड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हम बीएड से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल, कोई भी टीचर जब पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले क्लास में एंटर करता है तो जो आपका इंट्रोडक्शन स्किल है उसमें यही बात सब आती है। ये आपका वो स्किल है, वो कौशल है जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आप क्लास में किस तरह से एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है, जो भी कार्य करना है उस दिन, आप उस कार्य को किस तरह से कितने इफ़ेक्टिव तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो वहीं पर ही आती है जब एंट्री के टाइम पर, जब आप एंट्री कर रहे हैं उस टाइम पर सभी बच्चे क्या होते हैं, अपने अलग अलग खेल रहे होते हैं, ठीक है, मस्ती कर रहे होते हैं, उस समय सभी बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल अलग होते हैं। अब आप क्लास में एंटर करें, क्लास में एंटर करने के बाद सब बच्चे का माइंड, सब बच्चों की जो कंसंट्रेशन है या कहे सब बच्चों का जो ध्यान है उसको कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे अपने बोर्ड की तरफ या कहें अपने टॉपिक की तरफ लाएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर जितनी इफेक्टिव आपकी इंट्रोडक्शन स्किल होगी आपका पूरा टीचिंग उतना इफेक्टिव होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्किल क्या कहते हैं इसको, माइक्रो टीचिंग का पूरी की पूरी टीचिंग का एक आधार कहते हैं, ठीक है। जितनी इफेक्टिव तरीके से अगर आपने माइक्रो इंट्रोडक्शन स्किल कर लिया पूरा आपका क्लियरली आराम से चला जाएगा पूरा लेक्चर। लेकिन अगर आपने इंट्रोड्यूस अच्छी तरह से नहीं किया, उसमें इफेक्टिव तरीके से नहीं किया, बच्चे को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा लेक्चर आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रस्तावना कौशल में, अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यानी कि इफेक्टिव बनाने के लिए अनेक कौशल का उपयोग करते हैं, बहुत सारी स्किल्स का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में मैंने अलग पूरी की पूरी सभी स्किल्स को इंग्लिश में हमने पूरी अलग से डिटेल में हमने जान चुके हैं ऑलरेडी, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो इंग्लिश वाले दोस्त हैं वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य वस्तु का परिचय प्रस्तुत करते हैं जिसमें सामान्य कार्य करते हैं जिससे छात्रों को प्रेरित कर सके या अध्ययन केंद्रित उनका ध्यान केंद्रित कर सके, यानी कि कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं ताकि बच्चे सभी बच्चे क्या एकदम बिल्कुल शांत हो जाएं, सभी बच्चों का जो ध्यान है वो आपके बोर्ड की तरफ, आपके कंटेंट की तरफ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंट्रोडक्शन स्किल का। तो सबसे पहले तो यही है कि पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सके आप, तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है इसका। आपकी इंट्रोडक्शन स्किल, आप जितनी अच्छी तरह से अपने कंटेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे उतने ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। अगर बच्चों को जो इंट्रोडक्शन है आपका वही अच्छा नहीं होगा तो बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेवल आप इसमें एक्टिविटीज़ कर बढ़ा सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक है, यानी कि बच्चों में क्यूरियसिटी जानना। आप अगर अफेक्टिव तरीके से किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपने कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया तो बच्चों में क्या होगी, क्यूरियसिटी होगी जानने के लिए। अगर उनका इंटरेस्ट बन गया उसमें तो क्यूरियसिटी होगी कि आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कितना अच्छा टॉपिक है आज का, ठीक है। इसके बाद है चिंतन शक्ति पैदा करना, यानी कि बच्चों में थिंकिंग पावर को डेवलप करना,
ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को जो ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो बिल्कुल अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके उसे नवीन ज्ञान से जोड़ना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन स्किल का। अब जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चे पहले से ही कुछ ना कुछ जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो उनको नॉलेज होगी ना। अब जो उनको नॉलेज है उसको नई नॉलेज जो आप देना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट करना ताकि अच्छे से समझ पाए। अगर आपने नई नॉलेज दे दी और वो पुरानी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से कोई भी किसी तरह कनेक्ट नहीं है तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर देंगे तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही सही देख लेते हैं, अगर साइंस वालों की बात करें तो आप अगर एक्सीलरेशन पढ़ा रहे हैं, त्वरण पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि त्वरण से पहले उनका बेसिक उनका कितना है, वो स्पीड के बारे में जानते हैं क्या। अगर वो स्पीड के बारे में नहीं जानते होंगे तो एक्सीलरेशन के बारे में तो क्या पढ़ेंगे, उनको वो समझ में नहीं आएगा अच्छे से टॉपिक। तो पहले वो उनके आप उनकी नॉलेज देखेंगे, स्पीड के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, कितना जानते हैं, और जो उनका रिस्पॉन्स आए उस रिस्पॉन्स को लेकर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और एक्सीलरेशन को आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे है महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है। प्रस्तावना कौशल में छात्र अध्यापकों को छात्र के पाठ के प्रति जागृत करना होता है। पाठ का परिचय जितना प्रभावी होगा उतना ही शिक्षण सफल होगा। मैंने अभी बताया जितना बेहतर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे स्टार्टिंग में 2 मिनट 3 मिनट, जितना बेहतर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने लेक्चर को उतना ही बेहतर आपका पूरा लेक्चर जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वही बात है कि आप जाकर क्लास में एंटर करने के बाद जितने बेहतर तरीके से आप अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा लेक्चर उतने ही क्लियरली जाएगा। आगे है प्रस्तावना कौशल के घटक यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल के कंपोनेंट। कौशल को प्रस्तुत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिन्हें हम कौशलों के घटक कहते हैं। हर कौशल जितने भी स्किल आपको कराई जाएंगी सब में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिन बातों को ध्यान हमें रखना होता है। अब हम इंट्रोडक्शन स्किल करा रहे हैं यानी कि बच्चों को अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनकी प्रीवियस नॉलेज को देखकर, जानकर, परखकर उनको न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये काम हमें करना होता है। अब इस काम को करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है ताकि हम अपनी इंट्रोडक्शन स्किल को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले तो यह है कि प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। इंट्रोडक्शन स्किल में हम मोस्टली नॉर्मल तौर पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, साथ साथ कोई एक्टिविटी हम करके दिखा सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एक्टिविटी हम करके दिखा सकते हैं, कोई टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो जरूरी यह है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर नॉलेज से करें और ईजी से ईजी क्वेश्चन पूछें, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि अगर हम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनको हमें लगता है कि हाँ इसका तो आंसर बच्चे दे देंगे आराम से, तो क्या होगा बच्चों को अगर ये आप उनके सामने कोई क्वेश्चन रखा और बच्चे को उनका आंसर पता होगा वो तुरंत हाथ उठाएंगे कि हाँ मुझे देना है, मुझे देना, उनमें क्यूरियोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उसका आंसर जानते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इस तरह से आप अगर 3-4 क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, बच्चे उनका आंसर देंगे, तो क्या होगा बच्चों में इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, साथ साथ पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, उनका ध्यान, उनका जो कंसंट्रेशन है वो भी उसकी तरफ बढ़ेगा, उनमें मजा आएगा। और वहीं पर अगर आप पहले ही क्वेश्चन ऐसा पूछ लें हार्ड लेवल का कि उन्हें पता ना हो, या फिर बहुत हार्ड लेवल का आपने क्वेश्चन पूछ लिया उन्हें पहले से नहीं पता है, अगर पता होगा एक दो को पता होगा, मोस्टली नहीं पता होगा। ठीक है, तो क्या होगा शुरू में उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो डल हो जाएगा, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे, तीसरा पूछेंगे तो नहीं पता, तो उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन आप पूछें उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो और साथ साथ वो उनका आंसर जानती हो, इजी क्वेश्चन आप पूछें। नेक्स्ट है प्रश्न विषय से संबंधित हो, यानी कि इजी क्वेश्चन पूछने से मतलब ये नहीं कि आप कहीं और कुछ और ही पूछने लगे, जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड हो, कहीं बाहर से रिलेटेड ना हो। ठीक है, आपको पढ़ाना स्पीड है, आप पहुंच गए फोर्स पर या लाइट पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रश्न श्रृंखला में हो, यानी कि एक सीक्वेंस में हो, मतलब ये हुआ आपने कोई क्वेश्चन किया बच्चों से, बच्चों ने उसके रेस्पॉन्स में आंसर दिया, जो आंसर दे उसी से कनेक्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब ये आपको अभी आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा उसमें आपको ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो टीचिंग एड्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सके। अभी हमने कहा था कि जो इंट्रोडक्शन स्किल बेस है जितना इफेक्टिव होगा उतना ही बाकी आगे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन स्किल को सबसे बेस्ट बनाइए,
उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर कमी भी होगी तो वो भी चल जाएगी, लेकिन इंट्रोडक्शन के स्किल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो टीचिंग एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, TLM का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है प्रश्नों में भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ईजी होनी चाहिए, एकदम कम से कम वर्ड में आप आराम से पूछ लें और बच्चे तुरंत समझ जाएं कि आप पूछना क्या चाहते हैं, इनकी घुमा फिरा के क्वेश्चन ना पूछकर डायरेक्ट बिल्कुल सीधी भाषा में पूछना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न कौशल को उपयुक्त समय में समाप्त करें, यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन स्किल के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, यह तो आपकी स्किल है, स्किल को जब आप कर रहे होते हैं तब आपको 5 से 7 मिनट दिए जाते हैं, तो आपको उसमें करना होता है, ठीक है। उससे अलग भी आप अगर 30 मिनट्स के उसमें आप पढ़ा रहे हैं लेक्चर में, उसमें आप इंट्रोडक्शन स्किल यानी कि अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस देना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको पूरा करें जो टाइम सुटेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन इसके लिए 30 मिनट का आपका पीरियड है और इंट्रोडक्शन देने में ही चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने में ही 15-20 मिनट ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सुटेबल टाइम में ताकि आप अपना जो आगे का कंप्लीट पैटर्न है, आपका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वगैरह टॉपिक वगैरह है वो आप कंप्लीट कर सकें, इतने टाइम में आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चनों के घटक। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये बेस है, इससे रिलेटेड माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आपके 20-20 करके दोनों सब्जेक्ट में, जो आपके मेथड के सब्जेक्ट है दोनों में आपके 20-20 करके 40 लेसन प्लान बनेगी, तो उसमें यही सब आपका काम आएगा, बेस है ये आपका। अगर ये आपका क्लियर नहीं होगा पूरे बीएड में आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर ये क्लियर हो गया तो पूरा बीएड आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोडक्शन स्किल का। आपके सामने है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, साइंस का एक एग्जांपल है। बाकी सब्जेक्ट के एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, नीचे एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, जिसमें माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी लेसन प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी की वीडियोस हैं। आप उसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग एग्जांपल देख सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। ये आपके सामने है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये उनके आंसर हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, अगर लड़कियां हैं तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएं। ये मोस्टली गलती होती है जो कि टीचर्स ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके छात्र की क्रिया आ जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे आंसर देंगे। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जांपल के तौर पर। सबसे पहले बच्चों को टीचर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सबसे पहले टीचर ने क्या किया, अपने हाथ में एक पेन लिया और उसको दिखाकर बच्चों से पूछा कि छात्र अध्यापक हाथों में पेन पकड़कर छात्रों आप मेरे हाथ में क्या देख रही हैं, ठीक है। तो जो टीचर थी वहाँ पर उन्होंने हाथ में पेन लिया और बच्चे से पूछा कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ने अपना आंसर दिया कि हम आपके हाथों में पेन देख रहे हैं। उसके बाद है, अब मैंने पेन को छोड़ दिया तो पेन कहाँ पर गिरा, ठीक है। उन्होंने पेन को छोड़कर दिखाया कि पेन कहाँ पर गिरा, तो बच्चों ने बता दिया कि धरती पर गिरा, जमीन पर गिरा या नीचे गिरा, ठीक है। अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे अलग अलग तरीके के। नेक्स्ट है कि अब मैंने पेन ऊपर की ओर उछाला, अब पेन कहाँ रुकेगा। टीचर ने पेन को ऊपर की तरफ उछाल कर दिखाया और तब पूछा कि अब पेन कहाँ रुकेगा, तो बच्चे फिर आंसर देंगे कि फिर दोबारा धरती पर ही आकर रुकेगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पेन हमेशा जमीन पर ही क्यों आ रहा है। अब इसका आंसर बच्चों को नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहे हैं, और जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स आज पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है अब तक बच्चों को नहीं पता होगा। एक दो को अगर पता हो तो बात एक अलग है, लेकिन नॉर्मली नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनाए गए। अब इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी सरल भाषा में पूछे गए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो बच्चे उसका आंसर तुरंत दे देंगे, बच्चों के प्रीवियस ईयर नॉलेज से है, बच्चे जानते हैं कि ये एक चीज़ पेन है, आप हाथ में कोई भी सामान ले सकते हैं, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बच्चे जानते हैं कि उनके उसके बारे में कि ये पेन है। सभी क्वेश्चन जो है टॉपिक से रिलेटेड है, कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन है वो आके किस पर रुके, आपके टॉपिक पर आके रुके, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, आपके टॉपिक पर आना। अब ये जो आप एक्टिविटी करके दिखाएंगे, पेन को हाथ में पकड़ा, पेन को नीचे गिरा, पेन को ऊपर, तो क्या होगा, बच्चे सभी बच्चे जो होंगे उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ आएंगे, उनका जो ध्यान है वो केंद्रित होगा टॉपिक की तरफ कि क्या कर रहे हैं टीचर, ठीक है। उनमें क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए,
और सबसे बड़ी बात है सीक्वेंस भी होनी चाहिए। बच्चे ने बताया कि पेन, आपके हाथों में पेन दिख रहे हैं, तो पेन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि पेन को नीचे गिरा तो कहाँ गिरा, ऊपर उछाला तो कहाँ गिरा, तो पेन से रिलेटेड क्वेश्चन सीक्वेंस में है। और लास्ट में इंट्रोडक्शन स्किल, जब हम क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं तो इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर ही क्वेश्चन आंसर पूछने के बाद जब बच्चे सब शांत हो जाते हैं ना, जब लास्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हम, हाँ यहाँ पर बच्चे शांत हो गए, तो उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि पेन का बार बार नीचे आने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, और आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अपना पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो पूरी हो जाती है। आप किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का जितनी बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही बेहतर आपके आगे का होगा, क्योंकि बच्चों का जो माइंडसेट है वो इस इंट्रोडक्शन स्किल में तैयार हो जाएगा। इंट्रोडक्शन स्किल बेहतर होगी तो बच्चों का जो माइंडसेट है, पढ़ने का जो इंटरेस्ट है, वो वहीं पर बन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतने ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।